ओके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रैक्टिस सेट 6.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, इट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये देख के हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। ओके एंड द क्वेश्चन सर, विच क्लास एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इधर वाई एक्सिस में दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन सा क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मैक्सिमम इधर है यहाँ पे। तो ये कौन सा क्लास में है? ये तो क्लास 60 to 70 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इधर। ओके तो इसका आंसर आना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि नंबर 1 का आंसर, द क्लास सिक्सटी टू सेवेंटी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन ओवर, नाउ द सेकेंड वन, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। कौन सा क्लासेस में जीरो फ्रीक्वेंसी है करके क्वेश्चन है। चलो अभी जीरो फ्रीक्वेंसी में ध्यान दो स्टूडेंट, एकदम सिंपल। 20 to 30 में तुम देखेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी इधर जीरो है और 90 to 100 भी जीरो है। ओके तो इसका आंसर आएगा कि द क्लासेस ट्वेंटी टू थर्टी एंड 90 to 100 हैव फ्रीक्वेंसी जीरो। हैव फ्रीक्वेंसी जीरो। ओके नाउ द थर्ड वन, what is the class mark of the class having frequency of 50 student? यहाँ पे frequency of 50 student कौन सा class में है student? 50 student मतलब यहाँ पर ये तो frequency of 50 student तो यहाँ पर है, तो ये कौन सा class में है? actually 50 to 60 में है। इसका class mark कितना? तो class mark हम कैसे find out करेंगे? it's very simple, 50 और 60 को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके तो इसका आंसर आना चाहिए कि द क्लास मार्क ऑफ, ओके द क्लास हैविंग 50 students yes 50 to 60, लेकिन हमें क्लास नहीं चाहिए, इसका क्लास मार्क चाहिए। सो देयरफॉर क्लास मार्क इक्वल टू, सो क्लास मार्क ऑफ 50 to 60 इज इक्वल टू 50 + 60 / 2 which is equal to 110 / 2 which is equal to 55। तो यहाँ पर क्लास मार्क इज 55। ओके स्टूडेंट्स, या इट इज 55। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास उस क्लास मार्क इज 85। अभी 85 हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो 85 क्लास मार्क 85 तो यहाँ पर है,
और इसका अपर और लोअर लिमिट चाहिए। ओके, इसका अपर और लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट तो 80 रहेगा और अपर लिमिट क्या रहेगा 90 रहेगा। ओके, सो द लोअर एंड अपर लिमिट, फोर्थ आंसर। The lower and upper class limits of the class having class mark लोअर तो 80 है एंड अपर तो 90, ओके रिस्पेक्टिवली। चलो अभी फोर्थ वन हो गया, अभी फिफ्थ वन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90 में कितना स्टूडेंट्स है? अच्छा 80 to 90 में कितना स्टूडेंट्स है? ओके, तो 80 to 90 मतलब ये क्लास इंटरवल, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 15 है, तो आंसर आएगा कि 15। ओके, सो फिफ्थ वन, देर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास एटी टू 90। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का ऑल द फाइव आंसर्स, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी जो डेटा दिया है स्टूडेंट, ये रह के हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना पड़ेगा। तो पहले जो डेटा है इसमें से क्लास 0 to 200, 200 to 400 up to 800 to 1000 है ना, ये हम क्लास में लिखेंगे। और नीचे जो दिया है ना स्टूडेंट फैमिलीज, ये हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी में ये फैमिलीज आएगा, लेकिन अभी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट इधर। फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो दो नंबर है 0 और 200, इन दोनों को पहले ऐड करने का, फिर 2 से डिवाइड करने का। तुम याद रखो स्टूडेंट, क्लास मार्क का और एक नाम होता है कि मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट चाहिए तो दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का, यानी कि 200 upon 2 यानी कि 100 आएगा। तो फर्स्ट क्लास मार्क हमें पता चला कि इट इज़ 100। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये 100 है। अभी सेकेंड क्लास मार्क चाहिए तो वापस क्या करना पड़ेगा कि ये 200 और 400 को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 2, ये तो फिर 300 हो जाएगा। सो नाउ वी गॉट द सेकेंड क्लास इंटरवल क्लास मार्क आल्सो, दैट इज 300। वैसे अगर हम ऐड करके डिवाइड करते जाएंगे स्टूडेंट, तो थर्ड में हमें मिलेगा 500, फोर्थ में हमें मिलेगा 700 और फिफ्थ में हमें मिलेगा 900। तो ये हुआ क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क एक बार मिल गया तो क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों रख के हम कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो आएगा यहाँ पर कि 100, 240। तो एक्स एक्सिस में 100 और वाई एक्सिस में 240। ओके, फिर इसमें एक्स एक्सिस में 300 और वाई एक्सिस में भी 300, इधर एक्स कोऑर्डिनेट 500, एक्स कोऑर्डिनेट इज क्लास मार्क एंड वाई कोऑर्डिनेट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 450 एंड देन 700, 350
and then 900, 160. अभी ये पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो डेटा दिया है ना स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वो यहाँ पर आएगा, किधर आएगा कि एक्स एक्सिस में आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड देन वाई एक्सिस में फिर आएगा कि नंबर ऑफ फैमिलीज, जो फैमिलीज यहाँ पर दिया है ना वो वाई एक्सिस में आएगा, ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके। इसके बाद अभी तुम डेटा देखेंगे ना, तो डेटा इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पर 0 to 200, 200 to 400 ऐसा दिया है ना, वो हमें एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा कि 0 to 200, 200 to 400, 600, 800, 1000, 1200, लाइक दैट। वाई एक्सिस में तुम देखेंगे ना फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू 450 है, तो यहाँ पर अभी हमने 50-50 कर लिए ताकि 450 तक आ जाएगा, ओके। चलो अभी फर्स्ट पॉइंट में ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज 100, 240, तो अभी हमें ये 100, 240 वहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। और कैसे प्लॉट करेंगे, एकदम सिंपल स्टूडेंट, 100 तो 0 to 200 के बीच में रहेगा, तो 0 to 200 में जाके हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 में कितना स्टूडेंट, ये 100 में 240 तक ना, तो 100 में 240, 0 to 200 के बीच में 100 है एक्स एक्सिस और 240 वाई एक्सिस, यानी कि 250 के दो बॉक्सेस नीचे, वो छोटे छोटे बॉक्स है ना स्टूडेंट, वहाँ पर टू बॉक्सेस, ओके। सो दिस इज नथिंग बट 100, 240, तो अभी ये एक पॉइंट हुआ स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 100, 240, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ द सेकंड पॉइंट 300, 300, सेकंड पॉइंट इज 300, 300, ओके, तो ये सेकंड पॉइंट अभी हम प्लॉट करेंगे कि इट इज 300, 300, तो 300 हमें मिलेगा 200 और 400 के बीच में, और यहाँ पे भी 300, तो 300, 300 यहाँ पर आएगा, ओके। सो दिस इज 300, 300, ओके। फिर 300, 300 के बाद 500, 400 और 600 के बीच में आएगा, और 450 यहाँ पर ऊपर, तो वो यहाँ पे आना चाहिए इधर, यही है 500, 450, ओके स्टूडेंट। देन नेक्स्ट 700, 350, 700 तो 600, 800 के बीच में आएगा, और 350, सो 350 यहाँ पर है, दिस इज 700, 350, और इसके बाद में लास्ट वन 900, 160, तो 900, 160 यहाँ पर आएगा, 800, 1000 के बीच में 900, 160, 150 से थोड़ा ऊपर, ओके, तो यहाँ पर आएगा कि 900 एंड 160। लेकिन स्टूडेंट एक प्रिसीड, लेकिन स्टूडेंट कभी भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे ना, तो एक प्रिसीडिंग और एक सक्सीडिंग क्लास लेना पड़ेगा, यानी कि आगे का एक क्लास और पीछे का एक क्लास, और वहाँ पे हमेशा फ्रीक्वेंसी जीरो ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब अभी इधर 0 to 200 से स्टार्ट हुआ ना स्टूडेंट, तो इसके पहले का क्लास हम ले लेंगे, और वहाँ पर जाके हमें ज़ीरो में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सम में यहाँ पर आएगा, ओके, तो 0 to 200 का पहले का क्लास या नेगेटिव साइड में, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर नीचे ज़ीरो में, और यहाँ पर भी एक क्लास आगे, अभी 1000 तक ख़त्म हो गया ना, तो 1000 to 1200 में यहाँ नीचे यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्स एक्सिस में स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस में ख़त्म होना चाहिए, ओके, और ये पॉलीगॉन है ना स्टूडेंट, तो स्केल रख के हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर अभी हम इन सब लाइन को ज्वाइन करेंगे, ओके, ये लाइन सब ज्वाइन करेंगे अभी। चलो ज्वाइन करते स्टूडेंट अभी, कमांड, ओके,
ओके, देन यहाँ से यहाँ पर फिर यहाँ से यहाँ ऊपर करेक्ट, फिर इधर से ये फिर यहां से ये लाइन हाँ दिस लाइन फिर यहाँ से ये लाइन ओके ऐसे हमें सब पॉइंट को जॉइन करना पड़ेगा ओके या दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओके स्टूडेंट नाउ वी विल राइट इट हियर इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सो वी हैव टू मेंशन इट इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन Yes, and it is the answer of this question. And thank you, students. Okay, with that question, Midyando, the following table shows the classification of percentage of marks of students and the number of students. Draw the frequency polygon from the table. अच्छा ये table से हमें अभी frequency polygon draw करना पड़ेगा. Okay. Frequency polygon draw करने के लिए पहले हमें class mark चाहिए. तो क्लास मार्क कैसे मिलेगा स्टूडेंट सिंपल जो क्लास में जो नंबर है यहाँ पर 30 to 40 वो नंबर को हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐड करके सो 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 ये तो फिर 70/2 आएगा 70/2 मतलब इसका आंसर अभी आएगा 35 सो फर्स्ट क्लास मार्क हमें मिला दैट इज 35 वो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 35 फिर लाइक दैट यहां पे मिलेगा कि 45 55 65 75 85 एंड 95 एक बार ये क्लास मार्क मिल गया ना स्टूडेंट तो कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाएगा तो अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट इज 35 बट वाई कोऑर्डिनेट इज फ्रीक्वेंसी 7 फिर x कोऑर्डिनेट 45 एंड y कोऑर्डिनेट 33 x कोऑर्डिनेट 55 y कोऑर्डिनेट 45 x कोऑर्डिनेट 65 as well as the y कोऑर्डिनेट is also 65 and in the next x कोऑर्डिनेट is 75 but y कोऑर्डिनेट is 47 and x कोऑर्डिनेट is 85 and y coordinate is 18 and in the last x coordinate is 95 and the y coordinate is 5 ab ye point rakhe hum kya plot karenge student ki frequency polygon ka points plot karenge chalo shuru karte student abhi frequency polygon ka jo point hai wo to 30 to 40 mein start ho raha hai na to jaise ki main last sum mein padhaya tha ki ek preceding ek succeeding class lene ka आगे का और पीछे के क्लास वहाँ पे 0-0 से शुरू करना पड़ेगा चलो ऐसे शुरू करते स्टूडेंट 30 to 40 के पहले जो है ना वो 20 to 30 है उसमें सीधा मिडिल में जाके एक पॉइंट रखने का फिर लाइक दैट लास्ट क्लास क्या है स्टूडेंट 90 to 100 है ना तो 100 और 110 के बीच में जाके एक पॉइंट ऐसा लगाने का ओके इसके बाद अभी हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं फर्स्ट वन 35 में 7 ओके 35 में 7 सो 35 तो 30 to 40 में मिलेगा और 7 तो 10 से थोड़ा नीचे आएगा यानी कि यहाँ पर आएगा दिस इज नथिंग बट 35.7 ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 45.33 सो 45 तो 40 to 50 के बीच में आएगा और 33 है ना वो 30 से थोड़ा ऊपर यानी कि यहाँ पर आएगा ओके सो दिस इज 45.33 फिर उसके बाद 55.45 55.45 45
40 और 50 के एग्जैक्ट मिडिल में आएगा. सो दिस इज 55.45. ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट 65.65 60 और 70 के मिडिल में आएगा. सो दिस इज 65.65. देन नेक्स्ट 75.47 50 से थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा. ओके, थोड़े नीचे, एंड दिस पॉइंट इज 55.45. ओके, अच्छा अभी हमें चाहिए कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, 75.47 50 से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पर. ओके, 75.47. देन नेक्स्ट पॉइंट 85.18 20 से थोड़ा नीचे आएगा. एंड द नेक्स्ट वन 95.5 तो 0 और 10 के एग्जैक्ट मिडिल में आएगा. दिस इज 95.5. ओके स्टूडेंट, चलो अभी इन सब पॉइंट को हमें रूलर विद हेल्प ऑफ रूलर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. ऐसे ज्वाइन किए तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा. चलो ज्वाइन करते स्टूडेंट, पहले ये दो पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, इन दो पॉइंट को, एंड देन दिस टू पॉइंट्स. फिर ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, एंड दिस टू पॉइंट्स. फिर ये दोनों पॉइंट, एंड दिस टू पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट. ओके, ऐसे ज्वाइन किए ना तो हमें फिर मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, और हमें इसे मेंशन भी करना पड़ेगा कि इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करके. सो इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टूडेंट, एंड या इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.